आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव करनपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 20 किलोमीटर तो ब्लॉक से 9 किलोमीटर है। 2400 वोट और 7000 की जनसंख्या वाले इस गांव के बागडोर मोहम्मद आसिम संभाले हुए हैं। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी गाँव में अच्छा विकास कराया है। बताते चले कि इस गाँव के प्राथमिक विद्यालयों में बेहतर शिक्षा देखने को मिल सकती है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। चार वर्ष में प्रधान ने क्या क्या विकास कराया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक मुंडा पांडे के करनपुर ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। चार साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने गांव में करवाए हैं? विकास कराए नाली कंधे जी, स्कूल जी, स्कूल में कार्यकल्प के अंतर्गत क्या क्या आपने कार्य करवाए हैं? सभी काम करा दिया, टाइल्स, समर सेविंग और टंकी वगैरह सब फिट जी। सारी सुविधाएं जो है मतलब आपने आवास मिले हैं ग्राम पंचायत में लोगों को? काफ़ी आवास मिले। यहाँ शौचालय से ओडीएफ होगी गाँव को? ओडीएफ। आपके गांव में जैसे सरकार, केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, क्या इसका लाभ सभी लोगों को मिलता है? जी, सभी को लोगों को 1% छोड़ कर जी जी, बाकी सभी को। किसान सम्मान निधि का पैसा कितने परसेंट लोगों को मिला? वो किसान सम्मान निधि तो ये मानो 50%। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट लगवाई है, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड बने हैं सभी। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है गाँव में? सफाई कर्मी आते हैं सब नियमित? सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा आपकी ग्राम पंचायत में बारात घर, पंचायत घर ये बने हुए हैं? नहीं। आंगनवाड़ी केंद्र, खेल का मैदान, अस्पताल? अस्पताल भी नहीं है। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? अस्पताल यहाँ से है 12-14 किलोमीटर। तो क्या आपने कभी अस्पताल को, ये निर्माण को लेकर के यहाँ कोई मांग या शिकायत नहीं रखी? अब सरकड़ा फास में है जी, जी। अब अपने गांव को सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? कितने मतलब रास्ते क्या अभी आपके गांव में और कच्चे हैं? काफी हो गए। कितने मीटर सीसी से पूरा गांव पक्का हो जाएगा? काम चल रहा तो हो जा रहा। मतलब अभी जो ये लगभग 8 महीने आपके कार्यकाल को बाकी है, इसमें उम्मीद है कि पूरा पक्का हो जाएगा। अच्छा, कितने परिवार यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? तो सब सर्वे कराया हूँ, लोगों ने सर्वे मतलब आपने भी तो होगी सर्वे हुआ है, सब कुछ है, वो लगभग 50 के आसपास 50 परिवार। बारात घर, निर्माण, पंचायत भवन, इनको लेकर भी आप कहना चाहेंगे ये भी होना चाहिए? ग्राम समाज की भूमि है गांव में। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास उनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, आवास भी कुछ लोगों को मिले हैं, ओडीएफ भी ग्राम पंचायत पूरी हो चुकी है, स्कूल में भी काफी कार्य यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा कुछ समस्याएं अभी भी यहाँ मौजूद है जिनसे लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत भवन के निर्माण को लेकर प्रधान यहाँ मांग रखते हैं। लगभग 50 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। इसके अलावा अस्पताल को लेकर भी उन्होंने यहाँ मांग रखी है। अशरफ अली के साथ मिराजीन, टुडे 24 से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशरफ अली जी। किस पद पर हैं आप? विद्यालय करनपुर शिक्षा मित्र के पद पर जी। यहाँ जी बताइए, यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा विद्यालय में क्या क्या विकास? ग्राम प्रधान द्वारा विद्यालय में बहुत सारा काम हुआ है, जैसे टाइल्स लगी है, समर सेविल है, टॉयलेट है, अच्छे से किचन है, उसमें टाइल्स लगवाई है, बाहर पीछे शौचालय का निर्माण चल रहा है, उसमें टाइल्स लगवाई है, फिटिंग वगैरह है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, नीचे से टाइल्स कराई है, सारी जितनी भी रिपेयरिंग जो भी है वो भी कराई है। सारी प्रधान जी ने बहुत सारा स्कूल के अंदर विकास कराया है, और गाँव में जितने भी आरसीसी, जितने भी लगभग 1500 मीटर का प्रधान जी ने खड़ंजा कराया है, इसमें टाइल्स जो आज बहुत बेहतर तरीके से गाँव है, साफ सफाई पर अच्छा ध्यान है, और बहुत ही अच्छी कर्मठ तरीके से अपनी प्रधानी का जो भी रास्ता अपनाया है, बहुत ही अच्छी तरीके से अपनाया उन्होंने, और काबिले तारीफ है। मैं उनसे कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें, और सरकार से, ब्लॉक से ज़्यादा विकास करें, गांव को हमारे चमकाए और सुनहरा बनाए।